तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपसे मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपेयर नॉलेज। आज दोस्तों बात करेंगे यूपीएससी की भर्ती के बारे में, आएगी दूसरी लिस्ट भी। हाँ जी भाई, एकदम सही सुना आपने भाई। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है भाई, आपके लिए सेकंड लिस्ट भाई 100% जारी होगी भाई। आपको विद प्रूफ बताएंगे कि आपकी सेकंड लिस्ट जारी कैसे होगी, ठीक है? कई फ्रेंड्स का डाउट है कि सर इसमें हमारा गुणांक भी नहीं दिया गया, श्रेणी भी नहीं दी गई है, कि क्या इसमें कुछ स्पार चली है नहीं चली है। देखिए भाई, थोड़ा बहुत हर जगह चलता है, लेकिन अगर देखा जाए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मेरिट हाई गई है फिर लो गई। देखिए भाई, मेरिट जो इसमें हाई गई आपको पता होगा। अब देखिए यार, मेरिट हाई जानी थी, अगर नंबर 143 145 आएंगे तो यार मेरिट ऑटोमेटिक आप खुद मान के चलो मेरिट हाई जानी ही थी। लेकिन अब बात आती है कि जिन्हें कॉमन नंबर उनका क्या होगा भाई, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना भाई। आपकी जो सेकंड लिस्ट है 100% जारी होगी, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब वो जारी कैसे होगी दोस्तों, बात करते हैं फ्रेंड्स आपके उसके बारे में। देखिए भाई, जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट लिस्ट में भाई, उनसे अब एनओसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपत्ति प्रमाण पत्र भाई, जो भी आपके पास नहीं होगा, जो भी मतलब जिनका नाम आया उनके पास नहीं होगा। सबके पास नहीं होगा, कईयों के पास होगा भी, ये नहीं कि सबके पास नहीं होगा, लेकिन कईयों के पास नहीं होगा। तो वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई उन्होंने मांगा है 20/12/2018 का मांगा हुआ है, उससे पुराना पुराना मांगा हुआ है। तो भाई ये बात नहीं है कि सबके पास होगा, तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बाहर फेल होने वाले हैं, इस भर्ती से बाहर होने वाले हैं, तो भाई आपका चांस भी इसमें बन सकता है, तो आपको टेंशन बिल्कुल लेना है। और कई फ्रेंड्स का मुझे कमेंट आया कि सर हम अपना लिस्ट में नाम नहीं देख पा रहे हैं, हमें लिस्ट में नाम चेक कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। तो भाई चलते एक बार लिस्ट के ऊपर। तो भाई देखिए दोस्तों, आपकी जो लिस्ट है भाई 2715 पेजेस की लिस्ट है, आप यहाँ पे आराम से दोस्तों देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों आपका गुणांक नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपकी आवेदन संख्या दी गई है, ठीक है? यहाँ पे भर्ती परीक्षा का अनुक्रमांक दिया गया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, अभ्यर्थी का नाम दिया गया है दोस्तों, आपके पिता का नाम दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स? आपको दोस्तों कौन सा जिला आवंटित हुआ दोस्तों, आपको वो भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिले दिए गए हैं और आपका नाम है, आपकी डीओ भी है, आपका पिता का नाम है भाई। अब बात आती है कि लिस्ट में नाम चेक कैसे करना है भाई। आपको देखिए भाई, आपके मोबाइल में लैपटॉप में साइड में कॉर्नर होगा भाई, वहां पे जब आप क्लिक करोगे भाई, आपको उसमें मिलेगा भाई फाइंड वाला भाई। जब फाइंड पे क्लिक करोगे, आपको दोस्तों फाइंड पे क्लिक करके आपको डायरेक्ट रोल नंबर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। आपको दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना, कुछ भी रोल नंबर हो भाई आपका, अदरवाइज कुछ भी रोल नंबर भाई, आपको सर्च करके आपको भाई यहाँ पे एंटर कर देना है इतना नंबर भर के, तो आपका जो रिजल्ट है आपके सामने आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है मेरे भाई और मेरी बहनों का, उन सबको बहुत बहुत बधाई है। और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश नहीं होना है भाई, आपकी सेकंड लिस्ट 100% आएगी। अब बात आती है आपकी लिस्ट में कितने स्टूडेंट पास किए गए भाई, 68,000 समथिंग कुछ है भाई जो पास किए गए, पूरे भाई 69,000 पास नहीं किए गए हैं, 68,000 स्टूडेंट हैं जो पास किए गए हैं, ठीक है? 68,000 से कमी है, तो भाई आपकी सेकंड लिस्ट आनी तय है। तो आपको टेंशन नहीं लेना भाई, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट रहना भाई, आपकी सेकंड लिस्ट भी जारी होगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।